वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का साइंस का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसे कि हम जानते हैं हमारे आसपास जितने भी मैटर है, चाहे कुर्सी है, मेज है, सोना है, चांदी है, जितने भी मैटर हैं वो सभी किससे बने होते हैं, मॉलिक्यूल और एटम से बने होते हैं। दे ऑल आर मेड अप ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ये मैटर अलग अलग फॉर्म में पाई जाती है, मीन्स द एग्जिस्ट नो डिफरेंट मैटर। ये मैटर अलग अलग रूप में पाई जाती है, क्यों? ड्यू टू डिफरेंट एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग डिफरेंट देम। क्योंकि अलग अलग मैटर के एटम अलग अलग होते हैं, उनकी अरेंजमेंट अलग अलग होती है, इसलिए वो अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट मेक्स एटम और एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द अनदर। एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कैसे अलग किया जा सकता है, भी जो है मैटर है, एक मैटर है दूसरे मैटर में कैसे अलग होता है। और दूसरा प्रश्न उठता है हमारे मन में, आर एटम्स रियली इंडिविजिबल। क्या वास्तव में एटम इतने छोटे हैं कि उनको हम आगे जो है डिवाइड नहीं कर सकते, जैसा कि डॉल्टन ने बता रखा था। और ये भी प्रश्न उठता है हमारे मन में, आर दे स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट इंसाइड द एटम्स। क्या इसके अलावा, एटम के अलावा कुछ और भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो एटम को बनाते हैं। इन एटम को बनाने वाले कौन कौन से चीज़ें हो सकती हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं। अब इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम जांचेंगे इसी लेसन में कि ये प्रश्न कैसे आए, उनका आंसर क्या हो सकता है। तो वी विल लर्न अबाउट द सब एटोमिक पार्टिकल्स एंड वेरियस मॉडल। हम एटम के अंदर कौन कौन से जो होते हैं सब एटोमिक पार्टिकल्स होते हैं, और इनको वेरियस मॉडल ने कैसे प्रूव किया, कैसे इसके बारे में वर्णन किया गया, आज हम यही सारा कुछ इस बारे में जांचेंगे। 19वीं सेंचुरी से पहले, 19th सेंचुरी से पहले ए मेजर चैलेंज वाज बिफोर फॉर द साइंटिस्ट। वैज्ञानिकों के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के अंतिम अंत समय तक, टू रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कि साइंटिस्ट के मन में प्रश्न था, एक चैलेंज था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके बारे में कैसे हम एक्सप्लेन किया जाए। इट वॉज द टू चैलेंज वॉज टू रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एज वेल एज टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, कि इसके कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है। दिस इक्लूडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज बेस्ड अपॉन द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये जो सारी विचारधाराएं आई हैं एक बार में नहीं आई, इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़े तब जाके एक थ्योरी बनी। आइए हम जानते हैं क्या ये एक्सपेरिमेंट थे। वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन डेट एटम्स आर नॉट डिविजिबल कम फ्रॉम द स्टडी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करते हैं और कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंस, तो क्या होता है, चार्ज पार्टिकल आते हैं। ये चार्ज पार्टिकल कैसे होते हैं, आइए एक एक्टिविटी द्वारा समझते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल मैटर लेट्स कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। हम एक एक्टिविटी करते हैं, हमने अपनी लाइफ में देखा है कि अगर हम ये अपने सूखे बालों से कंघी को रगड़ते हैं और उस कंघी को छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास लिया जाता है तो वो पेपर के टुकड़े उसके साथ चिपक जाते हैं, यह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। ऐसा क्यों होता है, कॉम जो होती है चार्ज होती है, यह पार्टिकल भी चार्ज हो गए। इसी प्रकार ग्लास रोड को सील के कपड़े से जब हम रगड़ेंगे तो अगर उसको एक गुब्बारे के पास लेके आएंगे तो वह गुब्बारा क्या होगा, सोचिए, वह गुब्बारा उसके साथ चिपक जाएगा। तो स्टूडेंट ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ये सभी इनमें चार्ज हो रहा है, चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं। हम इस एक्टिविटी से ये बता सकते हैं कि वी कैन कैलकुलेट दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट टूगेदर, किसी प्रकार की दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। क्या वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो सकती हैं, ये एक्टिविटी ने दिखा रखा है। वेयर डज चार्ज, अभी चार्ज प्रश्न उठता, चार्ज कहाँ से आता है, ये चार्ज कहाँ से आता है, इसका मतलब एटम के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी है जो जिसे ये सोचने मजबूर कर दिया कि एटम आगे डिविजिबल है, एटम के आगे पार्ट्स भी हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं। दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय नोइंग दैन एटम इज डिविजिबल। इससे सिद्ध होता है कि एटम के अंदर और पार्टिकल भी हो सकते हैं
जो कि चार्ज्ड पार्टिकल, जिनमें चार्ज होता है। बहुत सारे वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना अपना योगदान दिया किसके बारे में, चार्ज पार्टिकल की, एटम के चार्ज पार्टिकल कहां से आते हैं। इट वॉज नोन बाय द 1900 डेट द एटम वॉज इंडिविजुअल पार्टिकल बट कंटेन एटलीस्ट वन सब एटोमिक पार्टिकल। 1900 के आसपास ये पता लगा लिया गया था कि एटम में एक सब एटोमिक पार्टिकल भी है। इसका मतलब क्या है, एटम को आगे भागों में बांटा जा सकता है। द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई बाय द, इसकी खोज किसने की थी, जे जे थॉम्सन इनकी खोज की थी, उसका नाम क्या रखा गया था, इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉम्सन ने की थी। बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाई द ई गोल्डस्टीन इन, इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाई ई गोल्डस्टीन इन 1886 डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन द गैस डिस्चार्ज कॉल्ड द केनाल रेज। केनाल रेज में से जब गैस को डिस्चार्ज किया गया तो ई गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट किया था 1886 में। उससे पहले भी ये जे जे थॉम्सन ने बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल पाया जाता है। अब देखिए ई गोल्डस्टीन ने क्या किया, गैस में से रेडिएशन गुजारे और उन्हें क्या कहा, केनाल रेज का नाम दिया गया। दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज, अभी जो केनाल रेज थी क्या थी, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन निकल रहे हैं विच आर अल्टीमेटली टू डिस्कवर ऑफ अनदर सब पार्टिकल। इस प्रकार से एक अन्य पार्टिकल की खोज की गई, सब एटोमिक पार्टिकल की खोज की गई। दिस सब एटोमिक पार्टिकल हैड ए चार्ज, जिसपे की चार्ज था, उस पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट टू साइन इन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज था लेकिन क्या था, उसके अपोजिट चार्ज था। स्टूडेंट हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, और ये नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ लेकिन इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर चार्ज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है लेकिन साइन अलग अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो केनाल रेस क्या थे, जो एक्सपेरिमेंट क्या था, इसमें जो चार्ज पार्टिकल निकले वो कौन से थे, पॉजिटिव, इनपे पॉजिटिव चार्ज था। 10 मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम एज डेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इस पार्टिकल्स का मास लगभग इससे 2000 गुना ज्यादा था, यानी प्रोटॉन होता है इलेक्ट्रॉन से काफी भारी होता है, प्रोटॉन पर काफी भारी होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, बताइए, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन क्या होता है, 2000 गुना इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भारी होता है। तो इसका नाम क्या दिया गया था, नाम प्रोटॉन दिया गया था। इस प्रकार से हम सामान्य रूप से कहते हैं इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंट एज -e एंड प्रोटॉन रिप्रेजेंट एज द p। इलेक्ट्रॉन को e के द्वारा बताया जाता है, प्रोटॉन को p के द्वारा बताया जाता है, जिसपे प्लस का निशान होता है, p पर प्लस होता है जो बताता है प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है, प्लस का, यानी पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर ई लिखा गया है, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन पर ई लिखा गया है कि नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन को शो करते हैं पॉजिटिव चार्ज के द्वारा शो करते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने देखा कि डिस्कवरी कैसे कैसे हुई इनकी। द मास ऑफ प्रोटॉन टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज इज टेकन एज +1। जो प्रोटॉन का चार्ज होता है उसको 1 यूनिट माना जाता है, ठीक है, जो प्रोटॉन का मास होता है उसको 1 यूनिट माना जाता है एंड चार्ज इस पर +1 लिया जाता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड टू बी वेरी नेग्लिजिबल, प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का वेट बहुत ही कम है, लगभग ना के बराबर है, लेकिन चार्ज जो होता है वो इक्वल होता है, वो माइनस के बराबर ही होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है।
इट वॉज सीम्ड डेट एटम वॉज कंपोज ऑफ प्रोटोन। अब ये एक्सपेरिमेंट से बात सिद्ध होगी कि एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इनका नाम क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और दोनों आपस में बैलेंस करते हैं। प्रोटॉन का चार्ज प्लस का होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव का होता है, ये दोनों चार्ज बराबर होते हैं, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, कुल मिला के जो एटम होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल। एटम पर टोटल चार्ज कैसा होता है, जीरो, यानी न्यूट्रल चार्ज होता है। इट वॉज अपीयर डैट प्रोटोन वॉज इन द इंटीरियर ऑफ द एटम्स। प्रोटोन क्या है, एटम के अंदर पाए जाते हैं। वेयर एज इलेक्ट्रॉन क्या है, कैन बी इजली रिमूव्ड। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहर घूम रहे होते हैं, ये आसानी से पार्टिसिपेट करते हैं, यानी आराम से रिमूव किए जा सकते हैं, लेकिन प्रोटोन नहीं किए जा सकते। इसका कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण है कि इलेक्ट्रॉन काफ़ी हल्के होते हैं और प्रोटोन काफ़ी भारी होते हैं। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दिस पार्टिकल ऑफ द एटम फॉर्म। भी एटम में कौन कौन सा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, आइए देखते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे निकालते हैं हम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हम जानते हैं डाल्टन की एटम थ्योरी ने क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि एटम जो होते हैं इंडिविजिबल होते हैं, इनको आगे बांटा नहीं जा सकता और इनको नष्ट भी नहीं किया जा सकता, इंडिस्ट्रक्टिबल। बट इन दो पार्टिकल्स, कौन कौन से पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की खोज से ये बताया गया, जो कि उसके अंदर पाए जाते हैं, इससे क्या हुआ, डाल्टन की थ्योरी को टोटली फेल हो गई, जो बात कही थी वो गलत साबित होगी और डाल्टन की थ्योरी इस तरह से बिल्कुल फेल होगी। इट वॉज कंसीडर्ड नेसेसरी टू नो डैट हाउ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स आर अरेंज विद इन एटम। अभी प्रश्न उठता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे पाए जाते हैं, उनकी अरेंजमेंट क्या है। फॉर एक्सप्लेनेशन दिस मैनी साइंटिस्ट प्रपोज द वेरियस एटोमिक थ्योरी। इसी बात को साबित करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना एक्सपेरिमेंट किया। उनमें से एक वैज्ञानिक थे, सबसे पहले उनका नाम था जे जे थॉम्सन। ही वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज द मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का मॉडल कैसा होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, अपना एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसने स्ट्रक्चर बनाया बताया। जे जे थॉम्सन ने क्या कहा, जे जे थॉम्सन प्रपोज डेट मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर टू ए क्रिसमस पुडिंग। जे जे थॉम्सन ने क्या कहा, एटम की तुलना एक क्रिसमस पुडिंग, जैसे कोई केक टाइप होता है उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उससे तुलना करी कि जितना भी खाने योग्य पार्ट है उसके अंदर क्रीम वगैरह है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज्ड है, और जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन माना गया है, उसकी तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया है। दे वर ड्राई फ्रूट्स इन स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। इसके अलावा हम सोच सकते हैं इसी प्रकार से, अगर हम सही तो इसकी जो तुलना किससे की गई है, एक तरबूज से की गई है। तरबूज के अंदर जो खाने योग्य भाग हो गया है, खाने योग्य जो भाग होता है वो लाल रंग का होता है, उसके अंदर काले काले जो बीज होते हैं, ब्लैक बीज होते हैं, तो जो खाने योग्य पार्ट है उसको क्या माना गया, पॉजिटिव चार्ज माना गया, और इलेक्ट्रॉन पर जो धसे हुए हैं उनको इलेक्ट्रॉन माना गया। इस प्रकार से एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर धसे हुए होते हैं, तो इसे मॉडल इस प्रकार से उन्होंने पेश किया, जे जे थॉम्सन ने। जे जे थॉम्सन ने अपने थ्योरी में क्या कहा, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पेयर। एटम का जो होता है उसके अंदर चार्ज क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव, ये देखिए सारा पता रखा है, स्फेरिकल टाइप होता है, इसमें अधिकतर भाग क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पेयर वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। एम्बेडेड मीन इसके अंदर धसे होते हैं इधर उधर, त्रिभुज के अंदर जो बीज होते हैं वो इधर धसे होते हैं, इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी एटम के अंदर धसे होते हैं, दे आर एम्बेडेड, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एटम
द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो बराबर होता है। इस प्रकार से जो एटम होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाता है, जितना चार्ज पॉजिटिव है उतना ही चार्ज नेगेटिव है, तो एटम इलेक्ट्रिकली कैसा हो गया, न्यूट्रल होता है। अल्थो थॉमसन है मॉडल एक्सप्लेन डेट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उन्होंने क्या, थॉमसन ने क्या बताया कि जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके ऊपर बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे तब जाके उन्होंने बात को प्रूफ किया गया। आइए इसके बाद भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, देखिए आर्नेस्ट रदरफोर्ड, आर्नेस्ट रदरफोर्ड कौन थे, थॉमसन के ही स्टूडेंट थे। ही वॉज इंटरेस्टेड, उन्होंने अपने जो टीचर थे जे.जे. थॉमसन थे उनके एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्ट दिखाया, उनके हेल्प करी थी, उनके साथ असिस्टेंट का काम किया था, तो ही वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग द हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड, उनकी बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। हाउ इलेक्ट्रॉन्स अरेंज विद इन द एटम, कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर कैसे पाए जाते हैं। रदरफोर्ड डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट फॉर दिस, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट भी किया, उसने उन्होंने क्या किया गया, एक सबसे पहले क्या किया, गोल्ड सोने की बिल्कुल बारीक पतली बिल्कुल थिन फॉयल, फॉयल समझते हो आप जैसे एल्युमिनियम फॉयल होती है खाना लपेटने काम आती है, इसी प्रकार उसने गोल्ड की फॉयल ली, बहुत पतली थी, बहुत ज़्यादा गोल्ड की क्यों ली स्टूडेंट्स उन्होंने, क्योंकि गोल्ड होता है मैलेबल होता है और डक्टाइल होता है, सबसे ज़्यादा मैलेबल डक्टाइल कौन सा होता है, गोल्ड, तभी उसकी पत्ती जो सबसे ज़्यादा पतली बन सकती है, केवल गोल्ड की ही बन सकती सबसे बारीक। तो उसने क्या किया, इसलिए उन्होंने गोल्ड की क्या थिन फॉयल ली, उस पर उन्होंने क्या किया, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रो अल्फा पार्टिकल्स को मेड टू फॉल, उन पर बौछार की गई अल्फा पार्टिकल्स की। देखिए यहां पर ही सिलेक्टेड गोल्ड फॉयल बिकॉज ही वांटेड टू थिन लेयर एज पॉसिबल, दिस गोल्ड फॉयल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक, इतनी बारीक थी कि इस पर केवल 1000 एटम ही आ सकते थे। अल्फा पार्टिकल्स होते हैं दे आर डबली चार्ज हीलियम आयंस, कैसे होते हैं, दे आर डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं, इस पर डबल चार्ज होता है और इसका भार होता है 4 यूनिट होता है। द फास्ट मूविंग पार्टिकल हैव ए कंसिडरेबली अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये बहुत तेजी से मूव कर रहे होते हैं इसलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इट वॉज एक्सपेक्टेड अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफेक्टेड बाई सब एटोमिक पार्टिकल्स इन गोल्ड एटम, भी गोल्ड के जो है मान लीजिए ये एटम है, तो एटम के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं, तो यही पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल हैं, तो ये इन्होंने माना तो क्या इसके अंदर कुछ कुछ जगह ये टकराकर वापस आ जाएंगे, क्योंकि प्लस प्लस सेम जो चार्ज है वो रिपेल करेंगे, तो उन्होंने ये माना डेट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्रैक्टेड बाय सब एटोमिक पार्टिकल्स, जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं वो इन रेस को डिफ्रैक्ट वापस मोड़ देंगी। सिंस अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर देन द प्रोटॉन्स, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी द लार्ज डिफ्लेक्शन, कि उन्होंने माना क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, हैवी होते हैं, इसलिए डिफ्लेक्शन होगा जरूर लेकिन बहुत कम होगा। ये देखिए इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं, ये देखिए अल्फा पार्टिकल बुछार करी गोल्ड फॉयल पे, ये जो सीधा निकल रहे हैं कुछ और कुछ टकराकर वापस आ रहे हैं। देखिए इन्होंने क्या करा, आप देखिए, बट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, अब उन्होंने ऐसा रिजल्ट दिया जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, कोई थ्योरी भी नहीं बनाई थी, वैसा रिजल्ट मिला। आइए देखते हैं वो रिजल्ट कैसे मिला। पहला रिजल्ट ये था, मोस्ट ऑफ फास्ट मूविंग पार्टिकल पास्ड थ्रू ए द गोल्ड फॉयल, अधिकतर जो अल्फा पार्टिकल थे वो गोल्ड फॉयल में से सीधे ही निकल गए, कुछ पार्टिकल अल्फा पार्टिकल वो डिफ्लेक्ट वापस आए लेकिन वेरी स्मॉल एंगल, वो छोटे से एंगल पे ही डिफ्लेक्ट होकर वापस आए। जो तीसरा रिजल्ट था सरप्राइजिंगली सबसे अलग था, जो कभी सोचा भी नहीं था, उन्होंने क्या निकल के आया, प्रत्येक 12000 एटम पर
प्रत्येक 12,000 अल्फा पार्टिकल पर एक ऐसा आया अल्फा पार्टिकल जो सीधा बिल्कुल टकराकर वापस आ गया, यानी वन जिस एंगल से गया था उसी एंगल से टकराकर वापस आ गया। अमेजिंगली ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट था जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। इन द अदर वर्ड्स रदरफोर्ड दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट इनक्रेडिबल। ये ऐसा रिजल्ट था अगर आप कहो कि 15 इंच ऑफ शेल ऑफ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट विल कम बैक, अगर किसी गोली को टिश्यू पेपर चला दिया जाए वो टकरा के वापस आ जाएगी, क्या आप सोच सकते हो गोली टकरा के वापस आ सकती है? किसी टिश्यू पेपर पर गोली चलाएंगे और टकरा के वापस आ जाएगी, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो उन्होंने ऐसे ही सोचा था कोई टकरा के वापस नहीं आएगा, लेकिन वो टकरा कर वापस आ गया। बहुत सरप्राइज था ऐसा। आइए लेट थिंक एन एक्टिविटी इन ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द वॉल विद हिज आई क्लोज्ड। एक वॉल है, दीवार है, दीवार ठीक है, अगर वो दीवार सीधी है और उस पर कोई पत्थर फेंकता है वो टकरा के वापस आ जाएगा। ही विल हियर द साउंड व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक्स, तब वो जैसे पत्थर किसी दीवार पे लगेगा उसकी आवाज आएगी तो वह उसको सुन पाएगा। इफ ही रिपीट द दिस 10 times ही विल हियर द साउंड 10 times। और दीवार पर अगर वो पत्थर को फेंकेगा तो जितनी बार पत्थर फेंकेगा उतनी बार इसको आवाज सुनाई देगी। बट इफ ए ब्लाइंडेड फोल्ड चाइल्ड पर थ्रो टू स्टोन द बार्ब्ड वायर, इसी पर किसी बच्चे को कहा जाए कि दीवार की बजाय कांटों की बाड़ है, तारे हैं जहाँ पर तारे बांध रखी हैं, तो इनमें से पत्थर को फेंका जाए तो अब इन तारों के बीच में अधिकतर पत्थर क्या होंगे, सीधे गुजर जाएंगे। जितने आप पत्थर फेंकोगे उसमें मैक्सिमम पत्थर होंगे, ये प्रोबेबिलिटी है कि वो सीधा ही उसमें गुजर जाएंगे, टकराएंगे नहीं। मोस्ट ऑफ स्टोन्स वुड नॉट हिट द फेंसिंग, इवन तार को टच भी नहीं करेंगे और इसलिए हमें कोई सुनाई साउंड भी सुनाई नहीं देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके बीच में गैप है। बिकॉज देर आर लॉट ऑफ गैप इन द फेंस, इसी गैप की वजह से क्या होता है जो पत्थर होता है वो आराम से उसमें से निकल जाता है, टकराता नहीं है। सेम एक्सपेरिमेंट बात हुई, जो सेम इसी एक्सपेरिमेंट किया हुआ हुआ, कौन कौन सा हुआ था अल्फा पार्टिकल में, सेम एक्सपेरिमेंट डेट मोस्ट ऑफ स्पेस इन द एटम्स एम्प्टी। इस प्रकार से मान सकते हैं एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस क्या है, खाली है, इसलिए उसके अंदर अल्फा पार्टिकल आराम से गुजर गए बिना टकराए, जैसे कि दो डंडों के बीच में दीवार ना होकर तारे बांधी गई थी तो बहुत सारे पत्थर उसमें गुजर गए थे। क्यों गुजर गए थे? एम्प्टी स्पेस था। और उसमें से कुछ वेरी फ्यू पार्टिकल फॉर डिफ्रैक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, उसमें कुछ टकराकर वापस आ गए। ऐसा क्यों? पॉजिटिव से पॉजिटिव टकराएगा तो रिफ्रैक्ट होकर वापस आएगा, मीन्स वहां पर पॉजिटिव चार्ज था। जब पॉजिटिव चार्ज आइटम वाज ऑक्यूपाइज वेरी लिटल स्पेस, क्योंकि पत्थर बहुत कम वापस आए अल्फा पार्टिकल्स, इसलिए वहां पर पॉजिटिव चार्ज था लेकिन बहुत कम था आवाज। अगला पॉइंट, ए वेरी स्पेस स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय 180 degree। इसमें से माना गया कि बहुत 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 कम अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो सीधे टकराकर वापस आ गए 180 डिग्री के पर एंगल पर, जैसे टकराए थे वैसे ही वापस आ गए। मीन्स ये बताते हैं कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और बहुत ज़्यादा है, और वो क्या है, इट इज कंसिडर्ड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम। एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है बिल्कुल स्मॉल कंसेंट्रेटेड वेरी स्मॉल वॉल्यूम में कंसेंट्रेटेड है, जिसकी वजह से टकरा कर ये सीधा वापस आया है और ये सेंटर में पाया जाता है, इसलिए सीधा टकरा कर वापस आया है। इस प्रकार से हमने कैलकुलेशन से निकाला डेट रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10^5 लेस देन द रेडियस ऑफ एटम। जो एटम्स होता है बहुत छोटा होता है, इसका रेडियस होता है 10^5 लेस देन द एटम। एटम का जो रेडियस होता है उससे 10^5 गुना कम होता है।
तो न्यूक्लियस का आकार बहुत छोटा होता है एटम की बजाय। ऑन द बेसिस ऑफ इस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल, तो इस आधार पर उन्होंने अपना मॉडल पेश किया गया। इसकी क्या बातें थी ये देखिए, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। एटम के अंदर एक स्पेस ऐसा होता है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, वो कहाँ पर होता है, हाईली कंसेंट्रेटेड होता है और वेरी स्मॉल वॉल्यूम में पाया जाता है, उसका नाम क्या दिया इन्होंने, न्यूक्लियस दिया। नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, जिसमें लगभग एटम का सारा मास समाया जाता है, ये कंसेंट्रेटेड होता है जहाँ पर लगभग सारा मास इसके अंदर ही पाया जाता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये आसपास घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर साइज है कैसा है, वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, एटम की तुलना में न्यूक्लियस का साइज बहुत बहुत कम होता है। रदरफोर्ड ने अपने विचार रख दिए, लेकिन इस मॉडल में कुछ कमियां थी, आइए देखते हैं वे कौन कौन सी कमियां थी। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स, द रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। अब इन्होंने रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके चारों ओर घूमते रहते हैं, सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। हम जानते हैं कोई चीज़ अगर पाथ में घूमती है सर्कुलर पाथ में, तो ये सर्कुलर पाथ में हर जगह ये डायरेक्शन बदलती है, तो मींस यहाँ पर जो मोशन हो रहा है कैसा हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कैसे मोशन हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, जब एक्सेलरेशन होगा तो एनर्जी भी रेडिएट करेंगे। अगर ये एनर्जी ऐसे लूज करते गए तो एक दिन क्या होगा, ये बीच में गिर जाने चाहिए, इनकी रेवोल्यूशन बंद होनी चाहिए। इस प्रकार से इनकी क्या एनर्जी, दे वुड लूज द एनर्जी और फाइनली क्या होगा, वो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हमारे पास किसी प्रकार की मैटर ही ना होती, आयनी अनस्टेबल मैटर होती, हाईली अनस्टेबल मैटर होती, और किसी प्रकार से मैटर बनती ही नहीं जो हमारे पास है। बट हम जानते हैं एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, लेकिन एटम फिर भी स्टेबल होते हैं, तो कहीं ना कहीं रदरफोर्ड में कमी थी मॉडल में। उसके बाद नील बोहर आए, उन्होंने अपना एक मॉडल बनाया, रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए अपना मॉडल बताया। आइए पढ़ते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल में बहुत सारी कमियां थी, इस पर ऑब्जेक्शन उठाए गए, तो नील बोहर ने अपनी थ्योरी पेश करी, तो विद फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा फैक्ट पेश किए उन्हें कहते हैं पोस्टुलेट्स कहते हैं इन ए मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने क्या कहा, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स आर नोन एंड डिस्क्रिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू इनसाइड द एटम। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने पर्टिकुलर पाथ में ही घूमते हैं, उनका सबका पाथ होता है अलग अलग, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अपना एक ही पाथ होता है, वो अपने ही स्पेशल पाथ में घूमते रहते हैं, और जब भी घूमते हैं वाइड रिवॉल्विंग इन डिस्क्रिट ऑर्बिट, अपने अपने पथ में घूमते हैं, जब भी घूमते हैं तो किसी प्रकार की एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, किसी प्रकार की एनर्जी को रिलीज नहीं करते, इस प्रकार से उनकी एनर्जी कोई भी रिलीज नहीं होती। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड द एनर्जी शेल्स, ये क्या कहलाते हैं, एनर्जी सेल्स कहलाते हैं। तो पहला आइए देखिए सेंटर में क्या पाया जाता है, ये एटम हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, तो पहला पाथ को क्या कहते हैं, के शेल कहते हैं, फर्स्ट को क्या कहते हैं, के शेल, जो दूसरी शेल होती है एल शेल, और तीसरी को एम शेल, और चौथी को एन शेल। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने अपने शेल्स में घूमते रहते हैं और किसी प्रकार की एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। स्टूडेंट्स के बाद न्यूटन की खोज की गई 1932 में, जेम्स चैडविक वैज्ञानिक हुए हैं, महान वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने क्या एक अनदर
सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज कर दी। ऐसा पार्टिकल जिस पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं था और उसका मास क्या था, प्रोटॉन के मास के लगभग रफली यानी इसके इक्वल था, तो उसका नाम उन्होंने क्या दिया, उसका नाम इन्होंने दे दिया न्यूट्रॉन। अब उन्होंने बताया न्यूट्रॉन जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम, जितने भी एटम हैं उनके न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो स्टूडेंट न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन ही पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसके चारों ओर अपने अपने जो होते हैं ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं और किसी प्रकार की एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। सो इन जनरल न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंट बाय एन, इसे स्मॉल एन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। द मास ऑफ एटम देयरफॉर गिवन बाय द, इसलिए जितना जो मास होता है वो कहाँ पाया जाता है, एटम में न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है। तो इट इज़ द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों का मास ही क्या कहलाता है, वो कहलाता है एटॉमिक मास, मास ऑफ द एटम्स। हाउ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। स्टूडेंट्स जैसे कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा कि के शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने पाए जाते हैं, कि हाँ के शेल में इलेक्ट्रॉन 1 पाया जाता है और एल शेल में 2, एम शेल में 3 और शेल एन में 4 है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन, ये जो डिफरेंट शेल्स होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से पाया जाता है, तो अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। जो एक एटम होता है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे ही मैंने बताया अभी कि के एल एम एन ये शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन किस इनकरेंजमेंट कैसे होता है वो बताना है इनमें। तो इस बात को डिस्कस करने के लिए बोहर एंड बरी ने अपने सिद्धांत पेश किए, उनके जो नियम थे उन्होंने रूल्स थे वो इस प्रकार से थे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल इज गिवन बाय द फार्मूला 2n2। भी एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो इस फार्मूले के द्वारा दिया जाएगा, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, क्या k है या l है या m है, k के लिए 1 होता है ये और l हो तो 2 होता है इसका नंबर, m हो तो 3 और n हो तो 4। आइए हम ग्रुप करते हैं एग्जांपल्स। मान लीजिए पहला लेवल है तो k का एनर्जी लेवल नंबर कितना हो गया, 1। तो फार्मूला क्या है बोहर एंड बरी के अनुसार, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे, 2n2, तो 2 हो गया फार्मूला, n का वैल्यू कितनी है 1 और इसका क्यूब कितना हो गया, स्केयर करना है तो 2 × 1 = 2। तो फर्स्ट शेल के में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 2 पाए जाएंगे। इसी प्रकार स्टूडेंट्स शेल के में नेक्स्ट शेल है अपनी M में कितने पाए जाएंगे, देखिए M का नंबर क्या है, 2 नंबर शेल है तो फार्मूले के अनुसार वैल्यू पुट करें, N की वैल्यू कितनी है, 2 × 2 का स्केयर तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 × 8 = 8, तो बन गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो शेल L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 8। इसी प्रकार K के बाद L, L के बाद M, N में हम निकाल सकते हैं कितने कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये देखिए फर्स्ट ऑर्बिट के शेल में कितने हैं, नंबर 1 रखने पर पुट कितना आएगा, ये नंबर जो लेवल का नंबर 1 है तो K 2 × n की वैल्यू 1 होगी तो हो गया फर्स्ट शेल में पाए जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। और सेकंड शेल में कितने पाए जाते हैं, n की वैल्यू 2 कर दी हमने, 2 × 4 = 8 और m शेल में कितने पाए जाएंगे, वैल्यू कर दी n की 3 तो 3 का स्केयर कितना होता है, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार अगर शेल n होगी तो उसमें कितना होगा, 2 × 4 का स्केयर तो 32। इस प्रकार k शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो है 2, l शेल में आएंगे 8 m शेल में आएंगे 18 और n शेल में आएंगे 32 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम बता रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन। अगला रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है,
द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेट इन आउटर मोस्ट शेल। भाई कोई भी एलिमेंट्स है इसकी जो सबसे भारी शेल होगी उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8 ही आ सकते हैं, 8 से ऊपर नहीं आएंगे। देखिए कोई भी शेल हो, मान लीजिए ये एटम है, एटम बीच में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में अगर उसके बाहर शेल है तो मैक्सिमम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो मैक्सिमम बताया गया है वो 8 ही आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। हम आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो 8 ही आ सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन डैट कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट शेल डैट इज 8, जो मैंने अभी बताया है। इलेक्ट्रॉन आर नॉट अकोमोडेटेड इन ए गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फील्ड। जब तक एक शेल भरा जाएगा उसके बाद ही दूसरा शेल को भरा जाएगा। मान लीजिए ये एक एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेस भरने हैं हमने, तो फर्स्ट शेल में कितने आएंगे, कैपेसिटी कितनी है उसकी, 2 की। जब तक फर्स्ट शेल नहीं भरा जाएगा तब तक दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक इसमें एक रख दें पहले शेल में फिर 7 भर दें, ऐसा नहीं, पहले 2 की कैपेसिटी है इसमें तो 2 हैं तो 2 ही आएंगे, उसके बाद जो बचे इलेक्ट्रॉन हो गए वो नेक्स्ट ऑर्बिट में आएंगे। अब जैसे मैंने पहले में 2 भर दिए तो कितने बच गए यहाँ पर, 6 रह गए, वो कौन से शेल में आएंगे, दूसरे शेल में आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इस प्रकार से जब तक एक शेल नहीं भरी जाएगी कंप्लीट होने के बाद ही दूसरी शेल को भरा जाएगा। आइए देखिए आगे, इलेक्ट्रॉन आर नॉट अकोमोडेट इन ए गिवन शेल अनलेस, ये मैंने बताया था अभी, जब तक कि अंदर के शेल्स नहीं भरी जाएगी अगली शेल भी नहीं भरी जाएगी। यहां पर दिखा रखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 18, पहले 18 जो एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखा रखा है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर में कितना होता है, 1, तो इसके आउटर मोस्ट में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, शेल में कितने पाए जाएंगे, 1, ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें एक ही ऑर्बिट होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इसी प्रकार हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो जितने एटॉमिक नंबर को उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं किसी एलिमेंट में, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2, तो आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अब लिथियम में देखिए कितने हैं, लिथियम का नंबर कितना है, 3, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे, 3। देखिए ध्यान दीजिए, पहले शेल भरी जाएगी 2, तो 2 भरे जाएंगे, जो बचा होगा वो नेक्स्ट शेल में जाएगा, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, और जो बचा हो इसमें 1 आ गया। इसी प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, 18 के 18 एलिमेंट्स का बताया गया है। तो पहले शेल में जैसे मैं बताया था 2 आते हैं, तो अलग अलग शेलों में कैपेसिटी बता रखी है मैंने आपको। नेक्स्ट है वैलेंसी। अबला वैलेंसी क्या होता है स्टूडेंट्स, वी नो हाउ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर अरेंज इन डिफरेंट सेल्स। हम सब पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सेल्स में किस प्रकार से अरेंज किए जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम के बाहरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो उसकी क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, लिथियम के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 है, लिथियम के कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, यहाँ पर 1 है, और फ्लोरीन का कितना है, फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। तो किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं तो उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखिए कितने प्रेजेंट है, जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। बोर और ब्यूरी की स्कीम से हम ये भी जान सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन एकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। भी आउटर मोस्ट शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 8 ही आ सकते हैं, इससे ऊपर नहीं आ सकते। ऐसा महसूस किया गया स्टूडेंट्स कि एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं वो दे आर कंप्लीटली फिल्ड विद द 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल।
अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो थोड़ी बहुत केमिकल एक्टिविटी दिखाते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन 8 बनाने के लिए तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या वो गेन करते हैं ताकि उनके जो आउटरमोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाए। इन द अदर वर्ड्स देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी एंड वैलेंसी इज जीरो, यानी जिस जो एलिमेंट है इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर कितने हैं 8 हैं, ध्यान देंगे किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 हैं, तो अब इस स्थिति में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ना तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, उसकी शेल ऑलरेडी कंप्लीट है। इस प्रकार से क्या होगा, वो किसी भी एलिमेंट से क्या कराएगा, रिएक्शन नहीं करेगा, उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी जीरो, यानी वो ना किसी लेगा इलेक्ट्रॉन ना ही किसी से वो देगा। आइए यहाँ पर दिखा रखा है कंपोजिशंस ऑफ एटम ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स विद इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन वेरियस शेल्स, इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे हैं एलिमेंट्स में पहले 18 एलिमेंट्स हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उनके शेल्स में कैसे होता है बता रखा है। देखिए यहाँ पर नेम ऑफ एलिमेंट है, उनका सिंबल, एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर प्रोटॉन होंगे, ये ध्यान देने योग्य बात है, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये बताया गया पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं, चौथे में कितने हैं, और उसकी वैलेंसी क्या है। देखिए एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना है 1, तो नंबर प्रोटॉन कितने होंगे 1, क्योंकि जितने नंबर एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन पाए जाएंगे और उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और एक ही है तो पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 1 है। 1 क्यों है, क्योंकि इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पहला ही जो शेल है वो है आउटर मोस्ट, इसमें कितना है 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। इसी प्रकार एग्जांपल करते हैं कार्बन का लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो नंबर प्रोटॉन कितने होंगे इसके अंदर 6, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो भी 6, तो पहले में कितने आएंगे 2 आएंगे, सेकंड में कितने आएंगे 4, तो आउटर मोस्ट में कितने होंगे इसके 4, तो इसकी वैलेंसी भी 4। इस प्रकार से स्टूडेंट हम वैलेंसी को जान सकते हैं। जैसे मैंने बताया हीलियम एटम के पास कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, अदर हैव एटम विद 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल्स, हीलियम एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में 2 हैं, जबकि दूसरे एलिमेंट्स हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आ सकते हैं। ध्यान दें स्टूडेंट्स, हीलियम और हाइड्रोजन में जो आउटर मोस्ट शेल एक ही है के शेल है, उसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, जबकि अन्य में कितने आ सकते हैं 8 आ सकते हैं। अब देखिए एटम्स के अंदर द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ द एटम इज दैट टेंडेंसी टू रिएक्ट विद द रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल विद द एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। अब जिसकी जो कैपेसिटी है अन्य जो है तत्वों से मिलेगा या तो उसे इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, यानी उसे रिएक्ट करेगा, तो ये टेंडेंसी होगी कंबाइंड कैपेसिटी होगी, इस प्रकार से हम इसे कह सकते हैं इसकी वैलेंसी होगी। ये देखिए एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर है हाइड्रोजन, ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, कोई हम एग्जांपल लिखते हैं जैसे कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 7 है, तो या तो इसमें 8 पूरे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा या 8 इलेक्ट्रॉन क्या है इसको 7 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे लूज करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है कि एक करना आसान है, इसलिए क्या करेगा ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा -1, एक इलेक्ट्रॉन फालतू आ जाएगा, तो अब ये फ्लोरिन एलिमेंट ना बन के फ्लोरिन आयन बन जाएगा क्योंकि इस पर कोई चार्ज आ गया। इस प्रकार से जो
एटम वुड दस रिएक्ट टू अचीव एन ऑक्टेट इन द आउटरमोस्ट शेल। तो सभी एटम्स होते हैं अपना ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए आउटरमोस्ट शेल में, वो या तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं या इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ऐसा ये इलेक्ट्रॉन का लेना देना, द शेयरिंग ऑफ गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, वैलेंसी। इसमें नंबर इलेक्ट्रॉन गेन्ड या नंबर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और शेयर टू मेक द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, दिस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। जो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट है इसी को ही हम वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम कंटेन वन इलेक्ट्रॉन इन ईच आउटरमोस्ट शेल। हाइड्रोजन हो गया, लिथियम, सोडियम, इन सब के क्या है आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इस इनकी वैलेंसी कितनी होगी, वन होगी। इसी प्रकार हम देख सकते हैं एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है, आउटरमोस्ट शेल कितने हैं, तीन है, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी हो गई, तीन। सल्फर की देखेंगे, सल्फर की आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, छः। तो ये इलेक्ट्रॉन कितना करेगा ऑक्टेट करने के लिए, दो करेगा, तो शेयरिंग कैपेसिटी कितनी होगी इसकी, दो, इसलिए यहाँ पर ये दो ही कहलाएगी। क्लोरीन कितने हैं, सेवन है। अब इसके दो रास्ते हैं, या तो ये सेवन इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या ये गेन कर ले, तो कौन सा प्रोसेस बड़ी आसान रहेगा, एक गेन करने वाला, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, एक। आर्गन के जो है आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आठ हैं, तो इसे ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है ना ही देने की जरूरत है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, जीरो होगी। इस प्रकार से वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय सबट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन योर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्ड द कंबाइनिंग कैपेसिटी और द वैलेंसी। इस प्रकार से हम प्रत्येक एलिमेंट की वैलेंसी को आराम से जांच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, वैलेंसी किसे कहते हैं, देयरफॉर इट इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द वैलेंसी। नेक्स्ट टॉपिक अपना एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं। सो इफ द इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम विच डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या कहलाएगा, उस एलिमेंट के अंदर जितने प्रोटॉन पाए जाएंगे वही उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को डोनेट कैसे किया जाता है, जेड के द्वारा डोनेट यानी डिनोट किया जाता है, जेड अक्षर के द्वारा दिखाया जाता है। ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के जितने एटम है सबका एटॉमिक नंबर एक जैसा ही होगा, उसको जेड के द्वारा दिखाया जाएगा। इनफैक्ट द एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड पोसेसेस। एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, जेड कितना हो गया, वन। बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के पास ओनली वन ही प्रोटोन पाया जाता है न्यूक्लियस में। इसी प्रकार कार्बन है, कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर, छः है, तो इसे कहेंगे जेड बराबर छः, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने पाए जाते हैं कार्बन के अंदर, छः ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स किसी एलिमेंट्स के एटम्स में जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है, इसे जेड के द्वारा डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है मास नंबर। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो होती है वो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करते हैं, तो किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड किस पे करती है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। मास नंबर हम स्टूडेंट जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वो दोनों संख्या बराबर जो आएगी उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक
इसे हम कहते हैं मास नंबर या एटॉमिक मास। हमने पढ़ा द प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इन एटॉमिक कैन कैलकुलेट इन मास ऑफ एन एटम प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एलोन्स। जो एटम होता है उसका मैक्सिमम वेट कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो स्टूडेंट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स, तो क्या कब कहलाओगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स ऑफ दैट एलिमेंट। द मास ऑफ एन एटम इज ही सेड इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास कितना है 12, इसका मतलब क्या है, इसके पास 6 प्रोटॉन है एंड 6 ही न्यूट्रॉन है। सिमिलरली इसी पर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का जो है मास कितना है 27, 13 प्रोटॉन है और 14 न्यूट्रॉन है। स्टूडेंट ध्यान देने योग्य बात है, यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। तो मास नंबर क्या हुआ, द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इसको डोनेट क्या किया जाता है, इट इज डोनेटेड बाय द ए, कैपिटल ए के द्वारा दिखाया जाता है। किसी एलिमेंट को शो कैसे किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अपना जो है कोई भी एलिमेंट है, पहले हमने एलिमेंट लेना है, इसके ऊपर क्या आएगा, ए आएगा, ये आएगा एटॉमिक मास, नीचे क्या आएगा, एटॉमिक नंबर। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का मास नंबर कितना है 27, एटॉमिक नंबर कितना है 13। इस प्रकार से हम एलिमेंट शो करते हैं, जो नीचे वाला है वो क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर जेड, और ऊपर वाला होता है एटॉमिक मास जिसे ए कहते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट को एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना आइसोटोप्स। प्रकृति में बहुत सारे एटम पाए जाते हैं, बहुत सारे एटम होते हैं वो सेम एलिमेंट के होते हैं, जिनके एक एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका जो एटॉमिक यानी मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। उदाहरण के लिए हम हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन के 3 स्पीशीज पाए जाते हैं, पहला है प्रोटियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 1 सेम, ड्यूटेरियम का भी 1 है और ट्रिटियम का भी नंबर 1 है। तो प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम इनका एटॉमिक नंबर तो क्या है, सेम 1 है, लेकिन प्रोटियम का मास नंबर कितना 1, ड्यूटेरियम का कितना है 2 और ट्रिटियम कितना 3 है। तो प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम तीनों ही एटम है लेकिन एक ही एलिमेंट के हैं, तो इनके पास क्या है, एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर क्या है, अलग अलग है। सो वाटर आइसोटोप, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ये एग्जाम्पल था आइसोटोप्स का। इसी प्रकार से अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं, कार्बन है, कार्बन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 6, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। क्लोरीन कितने होते हैं, क्लोरीन के होते हैं, पहले के होते हैं क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। इस प्रकार से हम देखते हैं तो आइसोटोप्स क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, दीज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दीज आर कॉल्ड द आइसोटोप्स। इस प्रकार से हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 3 आइसोटोप है जिनका नाम है प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। मैनी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स,
नेचर में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें कि आइसोटोप पाए जाते हैं और मिक्सचर के रूप में पाए जाते हैं। ईच आइसोटोप एन एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस, जो आइसोटोप होता है किसी एलिमेंट का उसका प्योर प्योरिटी होती है, 100% प्योर होता है, काफ़ी हद तक प्योर होता है, वो पूरी तरह प्योर होता है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर, ध्यान देने योग्य बात है, आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। आपको मैंने पहले बताया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर, दोनों के पास सेम एटॉमिक नंबर है आइसोटोप के पास तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है क्योंकि इनका मास नंबर अलग अलग होता है। नेचर में जो क्लोरीन होती है इसके दो आइसोटोप्स होते हैं जिसका कि मास होता है 35 यू यूनिट एंड 7 यूनिट, दूसरे का होता है 7 यूनिट। वो नेचर में किस रेशो में पाए जाते हैं? 3:1, यानी एक 75% पाई जाती है तो उसे 25% में पाई जाती है। अब प्रश्न उठता है व्हाट शुड वी टेक द मास ऑफ क्लोरीन एटम, हम क्लोरीन एटम का मास कैसे लेंगे? इसमें कुछ नहीं है, हमने दोनों को एवरेज करना है, ठीक है। पहले का कितना है 35, उसकी एबंडेंस देखनी है, एबंडेंस कि कितनी परसेंट में अबेंडेंस में पाया जाता है, अबेंडेंस परसेंट देखनी है। 35 जो पहला होता है वो 3:1 पाया जाता है, यानी 75% पाया जाता है, तो पहले के मास को 75/100 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरा 25% पाया जाता है तो 37/25, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, एवरेज वेट कितना आ जाएगा, 35.5 यूनिट। द मास ऑफ एन एटॉमिक नेचुरल एलिमेंट कैन बी टेकन एज एवरेज मास, इसमें क्या है, इसको मास को एवरेज मास के रूप में लिया जाता है। अगर कोई एलिमेंट है जिसके पास आइसोटोप है ही नहीं तब उसका मास क्या होगा, तब उसका मास क्या कहलाएगा? पहले ही आपको पता है इट इज सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जैसे हम पहले बता सकते हैं कि जितने प्रोटॉन होंगे न्यूट्रॉन्स होंगे उनको जोड़ लो उनका एटॉमिक मास कहलाएगा। अगर कोई एलिमेंट आइसोटोपिक फॉर्म में जाता है तो हम उसकी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। देखिए मैंने बताया जैसे पहले की इसकी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, जो परसेंटेज पाया जाता है उसके यूनिट से वेट जो होता है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरे का निकालना पड़ेगा, जितने आइसोटोप्स है उनकी अबंडेंस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उनको जोड़कर जो आएगा एवरेज आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, मास, एटॉमिक मास कहलाएगा इसका। इस प्रकार से जो क्लोरीन कितना आया 35.5 यूनिट आया। नेक्स्ट है ये जो आइसोटोप्स है ये किस किस काम आते हैं, हम सभी जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज है आइसोटोप्स की वो एक जैसी होती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर, इनके पास एटॉमिक नंबर कैसा होता है, सेम होता है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। बट कुछ आइसोटोप ऐसे होते हैं जिनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है और वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, आइए देखिए उनमें से डिस्कस करते हैं। पहला आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, आइसोटोप यूरेनियम किस काम आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में ऐसे फ्यूल काम आता है जो हमारे को एबंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। इसी प्रकार कोबाल्ट एक आइसोटोप होता है, वो किस काम आता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। इसी प्रकार आयोडीन का आइसोटोप होता है, वो गाइटर रोग होता है जो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से होता है, उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो आयोडीन का आइसोटोप हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना आइसोबार्स, हमने डिस्कस किया पहले कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर होता है और डिफरेंट मास होता है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि डिस्कस करते हैं कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20, ऑर्गन कितना एटॉमिक नंबर है 18, तो इनका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, अलग अलग हो गया तो नंबर ऑफ प्रेज। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि इनके अंदर दोनों के अंदर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होते हैं लेकिन इनका मास नंबर क्या होता है, दोनों का 40-40 है। तो ये क्या हो गया, एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट,
दीज आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, ये कैल्शियम का एलिमेंट का हो गया, ये आर्गन का हो गया, तो ये एटम्स किसके हो गए, ये कैल्शियम के हो गए एटम्स हैं, कैल्शियम एलिमेंट के हो गए, ये आर्गन के हो गए, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव द डिफरेंट एटोमिक नंबर, क्योंकि अलग अलग एटोमिक, क्योंकि एलिमेंट अलग अलग हैं तो इनका क्या होगा, एटोमिक नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन क्या खास बात है, इनका जो एटो मास नंबर होता है सेम होता है, सो दीज आर कॉल्ड द आइसोबार। आइसोबार्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट जिनके पास क्या होता है, डिफरेंट एटोमिक नंबर होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एटोमिक, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव द डिफरेंट एटोमिक नंबर बट हैव द सेम मास नंबर, दीज आर नोन एज द आइसोबार। एग्जाम्पल है कैल्शियम एंड आर्गन। तो स्टूडेंट्स अपना चैप्टर यही खत्म होता है।